भारती को मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी शहीदों के लिए एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। ऐ सरजमी हिंदुस्तान, तेरे गुलजर सितारे, शहीद जाबाज और मुहाफिजों पर मुझे गर्व है। मैं सलाम करती हूँ उन बहादुर सिपाहियों को जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी, जिन्होंने कारगिल की उस चोटी को अपने लहू से सींचकर उसकी आन बान और शान को और रोशन कर दिया। सन 1999 में जब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अपनी सेना को LOC पार कर भारत की सीमाओं के अंदर आने का आदेश दिया, तो इसकी किसी को अपेक्षा भी नहीं थी। यूं तो हमारा देश शांति प्रिय है, परंतु इस धोखे के बाद उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी सेना को आदेश दिया कि हम दुश्मनों की इस गोली का बदला गोले से लेंगे। कारगिल युद्ध में कई सारे सैनिक शहीद हो गए। उन सभी शहीद सैनिकों के लिए मैं चार पंक्तियां समर्पित करती हूँ। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती तो सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ को मत करो धूमिल। विवादों में उलझ कर कीर्ति माँ को मत करो धूमिल। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कारगिल युद्ध में ऐसे कई सारे माँ के सपूत थे जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। उन सभी सपूतों के लिए मेरे आगे की पंक्तियां। कारगिल वाले युद्ध में हुए थे जो शहीद, कारगिल वाले युद्ध में हुए थे जो शहीद, उनके लिए सुबह शाम कर लीजिए, उनके लिए सुबह शाम कर लीजिए। अटल इरादे पीछे न रखिए पग, जिंदगी के कुल कार्य कर लीजिए। पूरे जनमानस में भक्ति के बड़े बर चलाए, पूरे जनमानस में भक्ति के बड़े लगाओ। राम का है देश राम राम कर लीजिए। कारगिल हिल पर तिरंगा फहराने वाले, कारगिल हिल पर तिरंगा फहराने वाले, हर एक शहीद को प्रणाम कर लीजिए, हर एक शहीद को प्रणाम कर लीजिए।